Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के. Assalamualaikum, welcome back to my channel. तो बोला क्या हाल चाल है और कैसे हो सब. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ. तो आज की तो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, वो भी ट्रिगर इंसान के ऊपर है, माय फेवरेट. और मैं उनकी वीडियो देख के बहुत इंजॉय करती हूँ, तो मैंने सोचा तुम लोग के साथ भी शेयर करती हूँ और साथ मिलकर इंजॉय करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ. तो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं. आज की जो वीडियो है वो है आई प्रपोज डिंचा कूजा. ये क्या हो गया? तो ये वीडियो है आई प्रपोज डिंचक पूजा आफ्टर लिसनिंग हर न्यू सॉन्ग फॉर रियल. मतलब डिंचक पूजा उसके पास आ रही है या वो जा रहा है, साथ में आमने सामने होंगे वो लोग. अच्छा, बहुत मजा आने वाला है निश्चय. तो आज उसको खत्म कर देगा मुझे लगता है. ओके, तो ले करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि भाई क्या है और डिंचक पूजा क्या चीज है. टाइटल से तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है. जी हाँ, वो ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है जब ढिंचक पूजा, वो ढिंचक पूजा जिस पर वीडियोस बना बना के मैंने अपने चैनल की स्टार्ट करी थी, वो ढिंचक पूजा जिसमें सेल्फी मैंने ले लिया स्वैग वाली टोपी जैसे लेजेंडरी गाने गाए, वो आज स्वयं हमारे चैनल पे आने वाली है. एंड हम जाने वाले हैं एक डेट पे, क्योंकि मैंने रिसेंटली ढिंचक पूजा का एक लव सॉन्ग सुना. क्या गाती है ये बंदी? ये गाना सुन के कसम से मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा कि ना हम पूजा जी पे एक छोटा सा. मैंने नहीं सुना ये गाना, शुक्र है मैंने नहीं सुना. देखने वाला होगा और उसके अलावा भी हमने काफी सारी फन एक्टिविटीज वगैरह करी, वो तो तुम्हें पता चलेगा अगर तुम वीडियो को एंड तक देखोगे. तो एंड तक देख लेना और वीडियो को लाइक दे देना. यस, देखो वो आ गई, देखो वो आ गई. कहां पे? अरे वो आ गई, देखो वो आ गई. पूजा, तेरा काम हो गया. पूजा, गाइस यही है वो ऐतिहासिक पल जब हमारे साथ हैं द लॉर्ड सुरों की देवी हरसेल्फ ढिंचक पूजा. तो ढिंचक जी हमारे चैनल पर आई हैं. ढिंचक जी आपके सम्मान में हमने एक. अबे यार ये क्या हो गया? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा. सो गाइस यहाँ पे हो गई है मेरी रिंग लाइट खराब और नहीं चल रही है मेरी रिंग लाइट, तो अब मैं फ्लैश लाइट से ही वीडियो बना रही हूँ. तो एडजस्ट कर लेना, पता नहीं कैसी आ रही होंगी, मुझे खुद मैं नहीं दिख रही हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है. इतना ज़्यादा मैंने तैयारी करी कि चलो आज वीडियो बनाते हैं, इतना टाइम हो गया है और ये रिंग लाइट साथ नहीं दे रही. और ये अक्सर होता है, पता नहीं इसको क्या है, क्या मसला है. सो खैर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. साथ हैं द लॉर्ड सुरों की देवी हरसेल्फ ढिंचक पूजा. ये तो ढिंचक जी हमारे चैनल पर आई हैं. ढिंचक जी आपके सम्मान में हमने एक इंट्रो तैयार करा है छोटा सा. आप बिग बॉस में गई, आपने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, आपने अपने जीवन में जो आप लेवल पहुंच सकती थी सब अचीव कर लिया है और उसके बाद आज आप फाइनली हमारे इस चैनल पर आ गई. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलना चाहती थी, आज मिल लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो ढिंचक जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे आज तक मैंने आपको काफी मैसेज वैसेज करे, आप पे वीडियोस भी बनाई कुछ, लेकिन आपने कभी ना उन पे रिप्लाई करा, ना मुझे कभी इंस्टा पे रिप्लाई करा, ना मैसेज करा. लगता है व्यूज कम हो गए हैं जो आप सामने से कोलैब कर रहे हो मेरे साथ. व्यूज तो कम हो गए हैं जो भी सच है, सबको पता है, लेकिन मैं सोचा जो मेरे ऊपर बने हैं तो उनसे ही बात कर लें. फिर पहले हमने आपको आगे बढ़ा दिया, ये साझेदारी है. देखिए कभी हमने भी अपना चैनल जो है आपके नाम पे पूरा शुरू किया था, तो अब अच्छा वो ना किया तो हमारे यहाँ बैठ सकते. सही बात है, देखो दोनों मिलजुल के आज चैनल बढ़ा रहे हैं. चलो इसी बात पे लाइक करो. वैसे व्यूज की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है, अब मैं यहाँ आई हूँ तो फिर आपके कितने व्यूज हो जाएंगे इस वीडियो में? पहले ही आपने मेरे सब्सक्राइबर चुरा लिए हैं, अब जो हैं वो भी चुरा लो. मैंने चुरा लिए हैं मतलब एक तरीके से खींच लिए. देखिए वो जमाना बहुत पुराना था, आज से 4-5 साल पहले. अच्छा लोग तो वही हैं, ये लोग भी चेंज हो गए बदलते रहते हैं. बच्चे देख रहे हैं आजकल बच्चे, अरे बिल्कुल नवजात शिशु, अभी जो फ्यूचर में पैदा होने हैं ना, जो आंटीज अभी 7th-8th month में हैं, उनके बच्चे पेट से ही वीडियो देख रहे हैं मेरी. तो आपको क्या लगता है आपके जोक्स पर से बच्चे हंसते हैं? देखो आपको कैसे पता कि मेरे जोक्स पे बच्चे हंसते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पे बच्चे कमेंट करते हैं, बट कम से कम मेरी वीडियो पे कोई कमेंट तो करता है.
आपकी वीडियो पे कहां करेंगे? आपके तो कमेंट्स ही ऑफ हैं, कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं क्योंकि वी डोंट लाइक कमेंट। देखिए कोई गाना आपका अच्छा है या बुरा है ये तो तब पता चलेगा ना, अगर ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है। मेरा तो हर चीज अच्छा है। ये तो अच्छी बात कर रही है यार, अच्छा बोल रही है। कोई गा के अच्छी है, अभी मैं तुम्हारी सुनूं उसकी सुनूं, उसकी सुनूंगी ना। और जिससे याद आया कि आपका वो गाना था दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर मुझसा ना है कोई क्यूटर, आपको कैसे पता क्यूटर? मैं तो देखो क्यूट हूँ बचपन से थी, और सारी लड़कियां लड़के मैं सबको क्यूट मानती हूँ और अपने आपको तो ज्यादा ही मानती हूँ। अच्छा गाना राइम हो रहा था, क्यूटर गया था। अच्छा क्यूट भी है तो वो बन गया, वो चल गया गाना, जो भी चल गया गाना जो भी नहीं मतलब आज तक तो आप यही कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन था कि आपने इतने लेजेंडरी इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, इतनी बड़ी स्टार भी नहीं हूं। मेरे लिए आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है क्योंकि मेरे चैनल पे आपका नाम डालते ही ज्यादा आते हैं। आज मैं खुद आ गई, और आज आप खुद आए हो तो मैं तो सोच रहा हूं क्या होगा, बताओ। भगवान को कुछ चढ़ाओ यार कभी। सही में बिलीव इन गॉड, आप ही भगवान हैं। थैंक यू सो मच, आशीर्वाद आशीर्वाद आइए। चलो आशीर्वाद है यार, क्या आपने इतने लेजेंडरी गाने बनाए तो आपका आपके गानों में सबसे फेवरेट कौन है? अब आप ये मत बोलना कि सारी अच्छे हैं, एक होता है गाना जो सबसे फेवरेट होता है इंसान का, आपका खुद का कौन सा? वैसे तो वही सारे हैं, मेरे को पता था, बट आई थिंक मैं अगर मैं कहना चाहूँ तो फर्स्ट को कहना चाहूंगी क्योंकि वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। फर्स्ट का आपका स्वैग वाली टोपी, राइट? देखो मुझे पता है कितना फॉलो करता है मुझे। अच्छा दूसरी आईडी से? नहीं नहीं रियल आईडी से करता हूं। रियल आईडी से? हां हां, मैं तो देखा नहीं। अरे मैं सिर्फ एक ही चैनल को सब्सक्राइब करूं अपने रियल अकाउंट से आपको, बस भगवान आपको लंबी उम्र दे। देखो आपका चैनल पे अगर हम अभी जाएंगे ना तो आपका दारू 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 गाना है सिर्फ सबसे पहला, तो आग वाली टोपी है भी नहीं आपके चैनल पे, फिर भी मुझे पता है कि वो आपका फर्स्ट गाना था। तो आपने उसको रोज सुना होगा, इसलिए आपको पता है? नहीं मैंने नहीं उसको बनाया, मैं फॉलो किया आपको स्टार्टिंग से 2015 14 या 15। यार इतना किसी लड़की को फॉलो करते पता नहीं क्या होता, क्या मुझे यार इतनी मजे की कन्वर्सेशन है ये। अच्छा करियर भी इम्पोर्टेंट होता है ना, ये आपका करियर है? नहीं यार सीरियसली चीज राइट, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? सही तो बोल रही है भाई, करियर इंपॉर्टेंट है ना। ओ गॉड लास्ट क्वेश्चन और पूछो। पूछो आप बिग बॉस तक पहुंच गई थी ये कैसे हो गया? कितने पैसे देने पड़े थे बिग बॉस में जाने के लिए? देखो पैसे लेके भी वो लेता देते नहीं है तो सबको पता, नहीं तो कोई भी आ जाता अमीर से अमीर लोग वहाँ पे, तो आपने देखा होगा। तो उनका मेल आया था मेरे पास कि मतलब ऑडियंस की डिमांड थी, जब भी हमको शूट या वीडियो या कुछ भी फिल्म होती है तो ऑडियंस की डिमांड पे होती है हमेशा। उन्होंने मुझे मेल किया, मैं उनसे मिली, फिर मुझे जाना था एंट्री करनी थी बट मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, मेरे मैनेजर ने बोला, फिर मैंने दोबारा एंट्री की उस पर, क्योंकि मुझे दो तीन लोगों ने उल्टा सीधा बोला था कि तो पागल है बिग बॉस में नहीं जा रही। अब मुझे ये नहीं पता बिग बॉस क्या है क्योंकि मैं देखती हूं, बस नहीं पता था, नहीं तो मैं जाऊंगी ना। सलमान खान को सामने से देखा फिर कैसा लगा आपको? सामने से सलमान खान जैसे लग रहे थे वही थे, तो वही थे हाँ। तो फिर मैंने हाथ बंद मिलाया तो हाँ ठीक है, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ कि वही थे क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बहुत बचपन से उनकी मूवीज में देखा है मैंने उनको, अच्छा था, लोग सब अच्छे थे। तो काफी ऐसा अजीब नहीं लगा आपको कि उन्होंने तक आपका रोस्ट कर दिया, वो आपसे गाना गवाया उन्होंने? उसके बाद वो बोलते हैं ये मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है, इसको वायरल कर दिया तुमने, ये गाना हिट किया आप लोगों ने, ऐसा ही हुआ था ना। देखो मैं बहुत फॉलो करता हूँ बड़े लोगों को, लोग फॉलो करते हैं और बड़े लोग बड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो? सलमान खान मुझे रोस्ट कर रहे हैं, सही बात, आपको किया करना है, मैं वो वीडियो जरूर देखती उस पर लाइक। लू भाई की बात हो रही है तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। वन ऑन वन चल रहा है, भाई भी हमारे गाने गाते हैं, आप भी गाने गाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छे गाने गाते हैं, सल्लू भाई? सलमान खान आपको ढूंढ रहे हैं, फोन आ रहा है या फिर आप ज्यादा अच्छे गाते हैं? दोनों में कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा, हम दोनों अच्छा गाते हैं, आप अच्छा नहीं गाते? मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, गा के दिखाओ। गाना बोलो आप कौन सा गाऊंगा? कुछ भी गा दो जो आपको आता हो लिरिक्स के साथ। टोपी लाओ भाई, ये लो आज आपको टोपी बनाते हैं, अरे आपने खुद ही पहन ली, अच्छा लग रहा है। स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी। अरे पीछे लोग कहाँ हैं? अरे मेरे चार भाड़े के टट्टू का है, भाड़े के टट्टू को लो, ए 10-10 रुपए वाले भाड़े वाले, चले आओ पीछे आओ, तू भी आ भाई। स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, दारू 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 होए, दारू 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 होए, दारू 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 जो ना ना चे उसको मारू, दारू दारू दारू। सेल्फी मैंने ले लिया, मैंने ले लिया, देखो मैंने अपनी सेल्फी मैंने ले लिया आज वाला सपना भी पूरा कर लिया, वो भी विद ढिंचक पूजा हर सेल्फ। कम से कम मेरे गाने आज आप गा पा रहे हो? मैं तो हमेशा गाता हूं आपके गाने।
वाइब करता हूँ मैं, मतलब रात रात भर जाग के जब हम पार्टी कर रहे होते हैं ना, सिर्फ ढिंचक पूजा के गाने। गुड। अब मैंने आपसे इतने क्वेश्चन पूछ लिया, आप भी तो कुछ पूछ लो। ऑडियंस के लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि वो आपके वीडियोस देखते हैं, मुझे उस स्टूडेंट के लिए बुरा लगता है जिसकी आप इंजीनियरिंग की सीट खा रहे हो। कुछ नहीं भाई, मैं सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा ढिंचक पूजा को रोस्ट करा इन रियल लाइफ, उल्टा हो रहा है। आप सिंगर हो, मैं रोस्टर, क्या पता रियलिटी में ऐसा हो, ऑडियंस को पता ही नहीं कुछ। मुझे भी नहीं पता ये बात तो यार। पुलिस पता लगा रही है। ये काम ज्यादा अच्छा है, कम से कम कुछ लोगों का टाइम पास तो हो रहा है। हाँ सही बात है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जो मैंने बोल दिया। रियल कुछ बना के दिखाओ रियलिटी में। बनाने की बात कर रहे हो, गाना बनाते हैं? बिल्कुल, आप बताओ क्या गाना। तीन वर्ड तो गाना बना दूंगा, निश्चय मल्हान नाचोस। नाचोस और निश्चय मल्हान, नाचो निश्चय मल्हान, नाचो निश्चय मल्हान, नाचो निश्चय मल्हान, नाचो 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 नाचो। ढिंचक पूजा का गाना है ना, समझ गए यार। वैसे आपका कोई फैमिली बिजनेस है क्या? क्यों, कभी आपने सोचा जिस दिन YouTube बंद हो जाएगा उस दिन क्या करोगे आप लोग? सोच लो, अभी टाइम है। मैं तो इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। ओके, तो मेरे पास तो है ऑप्शन, मैं तो नौकरी कर लूंगा। आपने अपना सोचा, आपका क्या होगा? मैं तो एक लड़की, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये क्या सीन है, लड़की वाला कार्ड कहां से यहां पे आ गया भाई? अरे शादी कर लो यार, किसी से क्या हो। ओ मैं तुमसे नहीं कर रही टेंशन में। अल्लाह दिल टूट गया। अभी होप है। ओ गॉड, सच में तो व्हाइट फूल नहीं देते, रेड देते हैं, कुछ पता नहीं है क्या आपको? बच्चा हूँ ना। अच्छा, तो पूजा, आई वाज वंडरिंग के 5 साल हो चुके हैं यार, मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वीडियो एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी एंजॉय करो। लेकिन इस पूरी जर्नी में मैंने कभी रियलाइज ही नहीं करा कि मुझे कब आपसे हुआ आपको नहीं पता चला, बट हो गया। मैंने आपको प्रपोज भी किया था, आपने रिजेक्ट कर दिया था, हे भेज दिया था, वो भी आपने आपके किसी दोस्त असिस्टेंट ने। तो अभी मैं सोच रहा था पूजा जी, अरे यार आई लव यू, तो उसको भी पता है। अच्छा नहीं है, दोबारा कोशिश करना। पूजा जी, विल यू बी माय वैलेंटाइन? नो। आपने क्या सोचा है, आप शादी कब करोगे? वैसे अंडर एज क्राइम नहीं है इंडिया में? आगे वाले सेगमेंट पे चलते हैं गाइस, हो गया यार। तो इस सेगमेंट में मैंने पूजा को कुछ कमाल कमाल के क्रिंज वाले गाने सुनाए, ये देखने के लिए कि क्रिंजी सॉन्ग्स पे पूजा का क्या रिएक्शन होगा। आई हाय, ये क्या है, ये सब भी है यहाँ पर? वो कैसे देख रही है, सुन रही है? तो पूरा आपको पता है कौन देखा आपने इसको पहले? दिस इज एलियन डीजे मृणाल। ये एक अलग ही कैटेगरी है इंसानियत की, मतलब एक तरफ इंसान होते हैं, एक तरफ डीजे मृणाल है। आपको पता है इसने एक इंटरव्यू में बोला था ये आपसे इंस्पायर्ड है? पता नहीं, मैं तो देखती नहीं। आप जानती नहीं है, लेकिन आपने एक पूरी नई जनरेशन ऑफ सिंगर्स को इंस्पायर करके रखा हुआ है। आपको अच्छा लगा ये गाना? कैसा लगा? ठीक है, ठीक था, हमें सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा, बट वो हमने एंजॉय कर रहे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अभी हम एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है टू लाइज एंड वन ट्रुथ, जहाँ पे हमें अपने बारे में दो झूठ बताने और एक सच बताना है और सामने वाले को पकड़ना है कौन सा सच है कौन सा झूठ है। पहली, मैं 10वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ था। दूसरी, मैं यूट्यूबर बनने से पहले चांदनी चौक पे बर्गर की रेडी लगाता था। और तीसरी, मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच से ज्यादा है। अब आपको बताना है कि इसमें सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। ऑब्वियसली यार, ठेला वाला झूठ है। नहीं गाइस, तो ना ही मैं 10th में फेल हुआ था, ना ही मैं बर्गर की रेडी। बहुत ही फजूल था ये क्वेश्चन, बहुत ही बकवास। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ आपसे 3 क्वेश्चन, उसमें बताइए कि सच क्या। मेरा नाम पूजा नहीं है, सेकंड मैं इंडिया से नहीं हूँ, बर्थ कहीं और हुआ है, अभी तो इंडिया में हूँ, और थर्ड मुझे डॉक्टर से नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड वाला आपने बोला ना कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, मुझे वो लग रहा है कि वो वाला जो है वो सच हो सकता है। कहाँ से?
तो गाइस मैं बता रहा था, तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं कितना जिम करता हूँ और मैंने सबको पंजे में हरा रखा है YouTube इंडिया में सबको, लेकिन इस भोली भाली लड़की को छोड़ के अब इस लड़की को भी हम हरा देते हैं पंजे में एक बार ही में, खेल खत्म। हिंचक पूजा के साथ आम रेसलिंग, आर यू रेडी? यार इतना मजे की वीडियो है ये, ये रियल पंजा। देखिए पूजा जी, अगर आप ये जीत गए आप, वाह क्या पंजा हो रहा है, वाह वाह वाह, गो Oh my God, guys, मेरा माइक गिर गया है और मैं हार गया हूँ guys. It's okay, it's okay. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. Congratulations, आप जीत गई हैं. काफी दम है actually इसमें. तो पूजा जी, बस वीडियो खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ दो लाइनें भी अगर गुनगुना देंगी ना, तो बस मजा आ जाएगा. मरने तक डांस करेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे. ये भी इसका गाना है. किसी से भी नहीं डरेंगे, मरने तक डांस करेंगे, आजा तू डांस करेंगे. ये था ढिंचक पूजा का आने वाला गाना, एक मिनट में बना दिया, एक मिनट में ऑन द स्पॉट. एनीवेज आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो. ये आई थिंक पूजा आपका फर्स्ट एवर कोलैब था इंडिया में आज तक का, तो आई होप यू गाइस एंजॉयड. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो वीडियो यहाँ पर एंड हो चुकी है और बहुत ही मज़ा आया, मुझे तो देखने में बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया मैंने. आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया हो. और ढिंचक पूजा मुझे इतनी फजूल ही लगी, मतलब अच्छे उसने सही समझदारी से जवाब दिए भाई, रोस्ट भी कर दिया कई जगह पे. मुझे लग रहा था एवरी पागल सी होगी, कोई जवाब ही देने नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अच्छा उसने मतलब कॉम्पिटिशन किया, वन और वन ही रहा दोनों की तरफ से, बल्कि थोड़ी सी भारी रही ट्रिगर पर. तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.